हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरी तरफ से आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और नेकी की हिदायत की ढेर सारी दुआएं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो कुछ इस तरह शुरू होगी कि हम लोग पाकिस्तान जाने का प्लान कर रहे हैं और उसके लिए शॉपिंग भी कर रहे हैं। तो सुपरमार्केट में मैं शॉपिंग के लिए आई हुई हूँ। तो ये मुझे चॉपर लेनी है अपनी सिस्टर के लिए, वो मैंने बाय की है। और अब मुझे अपने सिस्टर के लिए गोल्ड की बैंगल्स बाय करनी है, तो मैं जा रही हूँ गोल्ड बाज़ार। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है सनसेट का टाइम। तो चलें चलते हैं गोल्ड के बाज़ार में, वहाँ पर हम देखते हैं किस तरह के डिज़ाइंस हमें अवेलेबल होते हैं। पाकिस्तान जाना हो तो शॉपिंग बहुत करनी पड़ती है और मज़ा भी बहुत आता है। तो हमें बाज़ार से बहुत कुछ लेना है, जैसे कपड़ों की मैचिंग हो गई, कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, बैग्स हो गए, गिफ्ट्स हो गए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें बाज़ार से बाय करनी है। देखते हैं कि हमें आज क्या कुछ मिलता है। जैसे ही मैं गोल्ड सुक पहुंची, वहां पर मुझे सबसे अच्छी ऑफ़र नज़र आई, जिस पर लिखा हुआ था कि इस शॉप में नो मेकिंग चार्जेस ज्वेलरी चल रही है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मैंने ढेर सारे पिक्स बनाई बैंगल्स की और ज्वेलरी की और अपने सिस्टर्स को सेंड कर दी। जो उनको पसंद आएंगी तो वो मैं उनके लिए बाय कर लूँगी। तो अब मैं यहाँ पर अपनी बाकी शॉपिंग के लिए आई हुई हूँ, जहाँ से मैंने बाय किए हैं अपने मैचिंग अपने ड्रेस के साथ शूज़। क्योंकि हम पाकिस्तान जा रहे हैं तो वहाँ पर मेरी भांजी की शादी है, तो उसके लिए हमें स्पेशल शॉपिंग करनी है। और शादी के लिए शॉपिंग तो बहुत ज़रूरी होती है और बहुत ज़्यादा भी होती है। तो शॉपिंग करके हम अच्छे खासे थक गए थे, तो हमने सोचा थोड़ा बैठ जाते हैं, रिलैक्स करते हैं, स्नैक्स खाते हैं, ताकि एनर्जी हमें मिल जाए और हम अपनी फर्दर शॉपिंग के लिए अपने आप को फ्रेश कर लें। तो यहाँ पर हमारी रिफ़्रेशमेंट हो रही है। ये हैं दुबई के बहुत ही फेमस शवरमा, जो कि बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत ही यम्मी होते हैं। और ये है पिकल वाली चिलीज़, जो कि मैं इस शवरमा के साथ खाना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह, चलें ये अब शवरमा खाकर आगे चलते हैं और अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं। तो चलें जी, हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है, अभी पैकिंग का टाइम स्टार्ट होता है। तो ज़्यादातर अभी आपको मेरे सब फैंसी ड्रेसेस दिख रहे होंगे, क्योंकि मेरी भांजी की शादी है तो मैं बहुत सारे फैंसी ड्रेसेस लेकर गई थी। क्योंकि शादी थी तो इसलिए ज़्यादा कपड़े मुझे शादी के ही ले जाने पड़े। तो इस तरह के ये सारे फैंसी कपड़े हैं जो मैं इंशाल्लाह शादी पर पहनने वाली हूँ, और आपको वो अपनी वीडियो भी शेयर करूँगी जो जिस शादी को हम अटेंड करने वाले हैं। तो ये सारे के सारे फैंसी ड्रेस को पैक मैंने कर दिया है। सबको मैं हमेशा पेयर पेयर जोड़ा बना कर रखती हूँ, ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो। और इस तरह से मैं शर्ट और ट्राउज़र को रैप करके रखती हूँ, ताकि मुझे निकालने में आसानी हो। तो इस तरह से ये मेरा और मेरी बेटी का ये बैग्स पैक हो चुके हैं, ऑलमोस्ट पैक है। तो वो तो एंड तक ही हम इसमें चीज़ें ऐड करते ही रहते हैं और किसी भी कोने को खाली नहीं छोड़ते, कुछ ना कुछ भर ही दिया करते हैं। तो इस तरह से होती है ये पाकिस्तान की पैकिंग। तो ये तो मैंने आपको बहुत थोड़ी सी दिखाई है, क्योंकि अभी तो इसमें बहुत कुछ डालना है, बहुत कुछ इसमें ऐड करना है। तो जो मेरी तरह से बाहर ट्रैवल करने वाले होंगे, उन्हें बहुत अच्छी तरह पता होगा कि हम ट्रैवलिंग बैग किस तरह अपने बैग तैयार करते हैं और किस तरह उनको फुल करके लेके जाते हैं। क्योंकि इस दफ़ा हम PIA की फ़्लाइट से जा रहे हैं, तो हमारा 100 kg, यानी हमारी दो टिकट्स पर 100 kg बन रहा था, तो उससे भी हमारा वेट ज़्यादा हो गया था। सो चलिए अब चलते हैं एयरपोर्ट। इस दफ़ा हमारी फ़्लाइट शारजा एयरपोर्ट से थी। हम हमेशा दुबई एयरपोर्ट से जाया करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमें शारजा से मिल गई थी। सो हम आज शारजा की फ़्लाइट से पाकिस्तान जा रहे हैं। ये PIA की फ़्लाइट है और ये लेट नाइट की फ़्लाइट हमें मिली थी। तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा ट्रैवल कैसा गुज़रा था।
अब हम शारजा एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। शारजा एयरपोर्ट बहुत छोटा है तो वहां पर रश बहुत ज़्यादा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम पर पहुंच गए थे और हमारी फ़र्स्ट टाइम पीआईए की फ़्लाइट्स भी ऑन टाइम थी, तो हम बिल्कुल भी लेट नहीं हुए थे। तो इसलिए हमें इस दफ़ा ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आया, बिल्कुल पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर हमने अपना तमाम लगेज जमा करा दिया था, तो अपना सारा लगेज जमा कराने के बाद फिर हम शारजा की ड्यूटी फ्री शॉप पर पहुंच गए थे। शारजा का ड्यूटी फ्री शॉप बहुत ही छोटा था, तो हमने वहां पर चॉकलेट की शॉपिंग की, चॉकलेट्स वहां पर हमने बाय की। तो अब हमारा पाकिस्तान का ट्रैवल शुरू हो चुका है, हम प्लेन में बैठने के लिए जा रहे हैं, हमारी फ्लाइट ऑन टाइम थी। तो जैसे ही मैं प्लेन में एंटर होती हूँ, हमेशा से ही फिर मैं दुबई को बहुत जल्दी मिस करने लग जाती हूँ, मेरा दिल दुबई के लिए बहुत जल्दी उदास होने लग जाता है। सो आई विल कम बैक सून, इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। तो अब हम प्लेन में एंटर हो चुके हैं और अपनी सीट्स तलाश कर रहे हैं, तो हमें इस दफ़ा सीट विंडो के साथ ही मिली थी, हमें हमेशा ही सीट विंडो के साथ मिलती है, तो हम अपने ट्रैवल को खूब एंजॉय करते हैं। तो जब प्लेन की फ़्लाइट स्टार्ट हो जाती है तो ज़मीन के मनाज़िर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं और लैंडिंग और टेक ऑफ के मनाज़िर भी बहुत खूबसूरत होते हैं। तो प्लेन अभी स्टार्ट हो चुका है और प्लेन की रफ्तार भी तेज़ हो चुकी है, बहुत जल्द ही प्लेन टेक ऑफ कर लेगा। तो अभी हमारे प्लेन की फ़्लाइट स्टार्ट हो चुकी है, हमारी फ़्लाइट लेट नाइट थी तो ज़मीन पर बहुत ज़्यादा लाइटें थी, तो उन लाइट्स को देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो प्लेन ने यहाँ पर उड़ना शुरू कर दिया है, तो जैसे ही प्लेन ज़मीन से थोड़ा ही ऊंचाई पर होता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और ज़मीन पर जो लाइट्स होती हैं दुबई की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती हैं, बहुत ही हसीन नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं। कुछ दिनों के लिए हम इन रगीनियों को छोड़कर जा रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द लौट कर आएंगे दुबई की तरफ। तो माशाल्लाह से हमारी फ़्लाइट शुरू हो चुकी है, हमारा प्लेन उस दिन पैसेंजर से फुल था, बहुत ज़्यादा रश था। प्लेन में बैठने के कुछ ही देर बाद एयर होस्टेस कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस भी सबको बता रही होती है, फिर उसके कुछ ही देर बाद स्नैक्स टाइम हो जाता है। स्नैक्स कभी अच्छे होते हैं, कभी बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। इस दफ़ा केक था और एक सैंडविच था, तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था स्नैक्स मेन्यू, तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा ही लिया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। और सुबह के 5 बजे हम लैंड कर गए थे, उसके बाद हमारा कोरोना टेस्ट हुआ था, उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया था और फिर खैर से हम अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। ये था हमारा ट्रैवल। तो माशाल्लाह सनराइजिंग के टाइम हम अपने घर पर पहुंच गए थे, हमने सफ़र बहुत एंजॉय किया था। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय।